हेलो एवरीबॉडी, हेलो एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि हम लोग इसमें जून मंथ का साइंस रिपोर्टर देखने वाले हैं। उसमें जो भी कुछ नया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आया, जो कुछ नया ऐसा सिग्निफिकेंट फैक्ट दिया है जो आपको एग्जामिनेशन में काम आ सकता है, हम लोग इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पोल्यूशन रिलेटेड जो कुछ आया वो देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं स्मार्ट स्टोन डस्ट प्रेसिपिटेटर से। तो आप इस वर्कर को देखिए, इसने हाथ में एक ड्रिलर टाइप का मशीन पकड़ रखा है और इससे ये स्टोन में कार्विंग कर रहा है। तो जब भी यह ऐसा यूज करता है इसको, तो यहाँ पर डस्ट जनरेट होता है, ये इसके लंग्स को इफेक्ट करता है, इसके अलावा इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। तो हम जब ये डस्ट प्रेसिपिटेटर को इंस्टॉल कर देते हैं इस ड्रिलर में, तो क्या होता है कि वो उस डस्ट को कलेक्ट कर लेता है। इस वजह से एक तो पोल्यूशन कम होता है और उसके अलावा कोई भी इस वर्कर को लंग में इशू नहीं क्रिएट होता है। जैसे कि मान लीजिए उसको सिलिकोसिस अब नहीं होगा, तो दो बातें ये हो गई। इसके बाद WHO ने कुछ एयर पोल्यूशन रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स दिए हैं जो आपको एग्जामिनेशन में काम आ सकते हैं। जैसे अक्रॉस द वर्ल्ड एक साल में लगभग 7 मिलियन डेथ्स होते हैं एयर पोल्यूशन के वजह से। इसमें 4.3 मिलियन डेथ जो है वो हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन की वजह से होता है, यानी कि इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से होता है, और बाकी जो 2.7 मिलियन डेथ हैं वो एम्बियंट एयर पोल्यूशन की वजह से होते हैं। दो फैक्ट ही हो गए। रिसेंटली अभी न्यू दिल्ली में एक वर्कशॉप हुआ था एयर पोल्यूशन से रिलेटेड ही, तो उसका आउटकम को लोगों ने न्यू दिल्ली रेजोल्यूशन का नाम दिया। उसके कुछ रिकमेंडेशंस इस प्रकार हैं, जैसे कि हम लोग को अप्रोप्रिएट पॉलिसीज बनाने हैं, प्रोग्राम्स बनाने हैं ताकि हम लोग एयर पोल्यूशन को कर्व कर पाएं। इसके बाद हम लोग को ऐसे सिस्टम बनाने हैं जो कि कंटिन्यूसली मॉनिटर कर पाएं एयर पोल्यूशन के लेवल्स को। उसके बाद हम लोग को कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को अच्छे से इस्टेब्लिश करना है। अब ये क्या है, एयर पोल्यूशन के कुछ कॉजेज होंगे और उस कॉज के वजह से कुछ इफेक्ट जनरेट होता है, तो हम लोग को उस रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना है। ऐसा करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि देखा गया है कि सीजनली क्या होता है कि एयर पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। बारिश के मौसम में मान लीजिए कभी एयर पोल्यूशन कम हो जाता है, और फिर डिफरेंट होता है कभी विंटर के सीज़न में, कभी समर के सीज़न में। तो इस वजह से सीजनली एयर पोल्यूशन का लेवल फ्लक्चुएट करता है। तो हम लोग को क्या है इम्पॉर्टेंट कि हम लोग कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करें। इसके बाद हम लोग को रिसर्च करना है। रिसर्च कैसा होना चाहिए, एक तो ट्रांस डिसिप्लिनरी होना चाहिए, उसके अलावा हॉलिस्टिक होना चाहिए। फिर जो रिसर्च के थ्रू जो डेटा जनरेट होगा उसका हम लोग को एनालिसिस करना है, इन डेप्थ अच्छे से एनालिसिस करना है उस रिसर्च के डेटा का। एक कंसेप्ट की बात होती है वन हेल्थ करके, इसको WHO ने पिछले साल दिया था। इसमें क्या है कि हम लोग कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाएं, प्रोग्राम्स बनाएं जिसके थ्रू क्या हो कि हम लोग के पूरे इन्वायरमेंट का हेल्थ जो है अच्छे से बना रहे। इसलिए हम लोग इसको वन बोलते हैं हम लोग, क्योंकि पूरे अर्थ को मान लीजिए एक सिंगल एंटिटी मान रहे हैं और उसके हम लोग हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो इसलिए कंसेप्ट ऑफ वन हेल्थ हो गया। और इसकी चर्चा भी हुई न्यू दिल्ली रेजोल्यूशन में। इसके बाद आता है हम लोग को कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स कैरी आउट करने हैं, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करने हैं, लोगों के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना है। फिर हम लोग को करिकुलम में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि स्कूल कॉलेजेस हो गए, उनके करिकुलम में हम लोग को एयर पोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करना है। नहीं बल्कि एयर पोल्यूशन, इसके अलावा हम लोग को बाकी इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस करना बहुत ही एसेंशियल है। फिर हम लोग को डेटाबेस बनाना है। अब डेटाबेस किसी चीज़ से रिलेटेड बनाना है, जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं एयर पोल्यूशन के वजह से, तो उसी से रिलेटेड हम लोग को डेटाबेस बनाना है। इसके बाद एक और चीज़ एसेंशियल है कि हम लोग को कुछ ऐसे स्टार्टअप्स और जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, हम लोग को उनको एनकरेज करना है और उनको हम लोग को फंडिंग प्रोवाइड करना है ताकि वो एयर पोल्यूशन कम करने के जो डायरेक्शन में वो अग्रसर साबित हो। फिर हम लोग को एमिशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज बनाने हैं कि हम लोग कैसे आखिर एमिशन को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद हम लोग को जो भी एमिशन होता है उसके हम लोग को स्टैंडर्ड्स बनाने हैं। फिर हम लोग को बायोफ्यूल्स, इसके अलावा जो बाकी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, हम लोग को इनको यूटिलाइज करना है। हम लोग इसके बाद
वेस्ट मैनेजमेंट भी करना है और जो पोल्यूटेड साइट्स हैं उनका हम लोग को बायो ट्रीटमेंट भी करना है। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जो कूड़ा जनरेट होता है उसके वजह से भी एयर पोल्यूशन कुछ कुछ हद तक कॉज होता है, कुछ ग्रीन हाउस गैसेज भी रिलीज होते हैं, इसलिए हम लोग को ये भी करना है। फिर जो भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं हम लोग को क्या करना है, उनका ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हम लोग को उसी चीज़ का असेसमेंट करना है। इसके बाद हम लोग को कुछ क्लीनर टेक्नोलॉजीज डेवलप करने हैं, जो कि जो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन प्रोसेस है हम लोग वहाँ पर ही इंस्टॉल कर दें। इससे क्या होगा कि इंडस्ट्रीज़ के वजह से जो एयर पोल्यूटेंट्स का जनरेशन हो रहा है वो कर्व हो जाए, वो कम हो जाए। हम अगले टॉपिक पे आते हैं, ये क्या है, गंगा आमंत्रण अभियान। किसने कराया है इस अभियान को, NMCG यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने कराया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सप्लोर करते हैं गंगा नदी को राफ्टिंग के थ्रू और कायाकिंग के थ्रू। अब ये दोनों जो क्या है, बेसिकली वाटर स्पोर्ट्स हैं। जो अभियान है ये देव प्रयाग से गंगा सागर तक चला और ये लगभग 10 अक्टूबर से 12 नवंबर पिछले साल हुआ था, ऑर्गेनाइज हुआ था। इसके थ्रू अवेयरनेस फैलाया गया कि हम गंगा रिवर का रिजुविनेशन कैसे करना है और वाटर कंजर्वेशन कैसे करना है, वाटर कंजर्वेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी बातें हो गई। इस अभियान में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, सबसे पहले तो MPs हो गए, MLAs हो गए, फिर अर्बन लोकल बॉडीज हो गई, NGOs हो गए, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हो गए, गंगा विचार मंच हो गया, गंगा प्रहरी हो गया, गंगा मित्र हो गए, फिर गंगा का टास्क फोर्स भी इन्वॉल्व हो गया इसमें, NDRF इन्वॉल्व हो गया जो नेशनल डिजास्टर वाला जो चीज़ है, फिर WII हो गया यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो गया, फिर CSIR का IITR लैब है वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। और इस जो अभियान था इसको किसने लीड किया है, विंग कमांडर परमवीर सिंह जो कि इंडियन एयरफोर्स में है। हम लोग गंगा से रिलेटेड जब हम लोग बात करते हैं क्लीनिंग की इसकी, तो हम लोग दो टर्म्स को हमेशा सुनते हैं, एक तो है निर्मल और दूसरा है अविरल। अब ये क्या टर्म्स हैं, निर्मल मतलब हम लोग को पानी को क्लीन रखना है, गंगा नदी को क्लीन रखना है और इसका जो फ्लो है इसको हम लोग को अनइंटरप्टेड रखना है, ठीक है, मतलब फ्लो में कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, फ्री फ्लो होना चाहिए गंगा नदी का। 3 ACs की बात होती है। अब ये क्या है, 3A वाले टर्म है और 3C वाले टर्म है। ये जो है आप लोग मान लीजिए आप लोग अपने मेंस के आंसर राइटिंग में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। 3A क्या है, हम लोग को एडवेंचर करना है, एक्टिवेट करना है और अडॉप्ट करना है। अब एक्टिवेशन किस चीज़ का होगा, जो भी हम लोग लॉज पॉलिसीज लाते हैं हम लोग को उनको एक्टिवेट करना अच्छे से, हम लोग को कुछ अच्छे पॉलिसीज प्रोग्राम्स जो वर्ल्ड वाइड मान लीजिए कुछ फेमस ऐसा ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है हम लोग उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग को 3 C पे आते हैं, एक तो कम्युनिकेट, कंजर्व और कोलैबोरेट। तो हम लोग को कम्युनिकेट करना है आपस में, एक दूसरे से कोलैबोरेट करना है और हम लोग को गंगा नदी का कंजर्वेशन करना है। तो ये 3 ACs बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग इस मिशन को, इस अभियान को सक्सेसफुल बनाएं, बिग सक्सेस बनाएं। कुछ फैक्ट है जो पाया गया है कि 67% ऑफ गंगा जो है अब नॉन पोल्यूटेड है। ये जो हम लोग का क्लीन गंगा का मिशन है इसके वजह से ऐसा हो पाया है। साथ में 30% ऑफ जो गंगा का पानी है, जो गंगा वाटर है, वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। ये किसने बोला है, ये BIS ने बोला है। BIS क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो कुछ हद तक NMCG के जो इनिशिएटिव्स हैं वो कारगर रहे हैं। हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें गगनयान की चर्चा हुई थी साइंस रिपोर्टर में। गगनयान क्या है, 2022 में हम लोग कुछ ह्यूमन बीइंग्स को स्पेस में भेजने वाले हैं। अगर इंडिया ऐसा करता है तो ये 4th नेशन होगा जो कि आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया और चाइना, जो इंडिया ऐसा कर पाएगा इन 3 कंट्रीज के अलावा। गगनयान के मैन्युफैक्चरिंग में 3 इम्पॉर्टेंट बॉडीज इन्वॉल्व हैं, DRDO हो गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, HAL हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और ISRO हो गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। गगनयान जो है वो लो अर्थ में ऑर्बिट करेगा, यानी कि इसका एल्टीट्यूड जो होगा वो 300 से 400 किलोमीटर के अराउंड रहेगा। गगनयान को अर्थ के अराउंड एक रिवोल्यूशन करने में 5 से 7 दिन का समय लगेगा। इसके अलावा गगनयान को लॉन्च करने के लिए GSLV Mark III, जिसको हम लोग लॉन्च व्हीकल Mark III भी बोलेंगे, इसका यूटिलाइजेशन होगा गगनयान को लॉन्च करने में।
एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो इससे रिलेटेड है, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। हो सकता है ये आपको पूछ ली जाए प्रीलिम्स में कि मैन रीडिंग किस चीज़ से रिलेटेड है, कौन से, तो आप स्पेस टेक्नोलॉजी बता देंगे। अब मैन रीडिंग होता क्या है? मैन रेटिंग मेजर करता है किसी लॉन्च व्हीकल का सेफ्टी और इंटेग्रिटी को, ताकि वहां पर जीरो फेलियर हो। ठीक है, तो मैन रेटिंग क्या करता है? इट मेजर्स द सेफ्टी एंड इंटेग्रिटी ऑफ लॉन्च व्हीकल्स विथ जीरो फेलियर। ठीक है, तो आप मैन रेटिंग को ध्यान में रखेंगे। फिर हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी पे आते हैं। तो एक नया डिजिटल सॉल्यूशन एक्सचेंज क्लाउड बनाया गया है, गोकड्डल। ये वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा डिजिटल सॉल्यूशन एक्सचेंज क्लाउड है। अब इसमें देखिए दो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड हैं, एक तो डिजिटल हो गया, तो हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा हो गया कि यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन का एक्सचेंज करने वाले हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन कोई इंसान जेनरेट करेगा और वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, तो हम लोग सॉल्यूशन एक्सचेंज कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर इम्फेसिस किस पे दिया जाएगा? 4 4 A's पे दिया जाएगा। ऑटोमेशन हो गया, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होगी, एनालिटिक्स की बात होगी, और ऑगमेंटेटिव टेक्नोलॉजीज की बात होगी। तो 4 A's पे इम्फेसिस होने वाला है यहाँ पर। गोकड्डल जो है वो दुबई बेस्ड है और बेंगलोर में एक मेकेडो ग्रुप है, ये उसका पार्ट है। रोबोटिक्स पे आते हैं। सबसे पहले जीनोबोट्स की बात करते हैं। अब जीनोबोट क्या है? इस मेढक को देखिए, इस मेढक के जो एम्ब्रियो होते हैं उसके स्टेम सेल से ये जीनोबोट बनाया गया है। अब जीनो नाम कहाँ से आया? इस ये मेढक जो है इसको कॉमन नेम में अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग बोलते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम जो है वो जीनोपस लिविस है। अब जीनोपस में देखिए यहाँ पर जीनो है, तो इसी जीनो से हम लोग जीनोबोट बोल रहे हैं। एक तो ये चीज हो गया। उसके बाद ये जीनोबोट जो है वो वर्ल्ड का पहला लिविंग सेल्फ हीलिंग रोबोट्स है, यानी खुद को ये हील कर सकते हैं। अब सेल्फ हील कैसे करते हैं? क्योंकि ये स्टेम सेल से बनाए हुए हैं, इसलिए इनमें सेल्फ हील करने की कैपेबिलिटी है। इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले तो हम लोग सर्जरी में इसको यूज करने वाले हैं, जहां पर कि वो ड्रग्स को मेडिसिन को कैरी करेगा। रेडियो एक्टिव वेस्ट कहीं पे जनरेट हो रहा है तो ये उसको क्लीन करेगा। और उसके अलावा ओशंस में जो हम लोग माइक्रो प्लास्टिक्स को डंप करते हैं, तो जीनोबोट क्या करेंगे? उसको कलेक्ट करेंगे और उनका डिग्रेडेशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मतलब ये सर्जरी में भी काम आने वाला है और ये पोल्यूशन को कम करने में भी काम आने वाला है। इंटरेस्टिंगली जीनोबोट जो है वो बहुत दिन तक सर्वाइव कर सकता है विदाउट न्यूट्रिएंट्स, इसलिए हम लोग काफी लंबे टाइम तक क्लीनिंग और जो सर्जरी वाला पार्ट है वो हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स हैं, जैसे मोस्टली तो कोरोना से रिलेटेड अपडेट होता है। तो कोरोना बेसिकली क्या है? यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात होती है। इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ने एनवेलप किया हुआ है वायरस को, तो यही चीज है कोरोना। आप लोग ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को जरूर याद रखिएगा। स्मोकर्स के लिए एक बैड न्यूज है। स्मोकिंग से क्या होता है कि हम लोग के सेल्स पे जो ACE2 रिसेप्टर है, हम लोग के सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं अलग अलग टाइप के, उसमें से एक ACE2 रिसेप्टर है हमारे सेल के ऊपर। तो स्मोकिंग से क्या होता है? ये ACE2 रिसेप्टर अफेक्ट होता है, एक्टिवेट होता है। अब ये जो कोरोना वायरस है ये क्या करता है? इसी रिसेप्टर को यूज करके सेल के अंदर घुसता है। तो अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो आपका रिसेप्टर एक्टिवेट होगा और आप बहुत ही लायबल हो जाएंगे कि कोरोना वायरस आपके अंदर एंटर कर जाए। इसलिए अगर कोई स्मोक करता है तो वो प्लीज सतर्क हो जाए। हम लोग कुछ ड्रग्स का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ बहुत सारे साइंटिस्ट जो है अलग अलग ड्रग्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे क्लोरोक्वीन फॉस्फेट है, ये क्विनीन का डेरिवेटिव है, इसलिए एंटी मलेरियल भी है और एंटीवायरल भी है। इसके बाद डाई अमोनियम ग्लाइसीराइजिनेट की बात हो रही है, ये लिकरिस राइट रूट्स से डेराइव्ड है और इसका ऑलरेडी इस्तेमाल होता है लीवर डैमेज के ट्रीटमेंट में। जैसे कि मान लीजिए हेपेटाइटिस बी से अगर लीवर का डैमेज हुआ है तो वहाँ पर भी इसको ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग है रेमडेसिविर, इसको रिसेंटली सबसे पोटेंट ड्रग माना गया है जो कि कोरोना के ट्रीटमेंट में यूज होने वाला है। ठीक है, आप लोग रेमडेसिविर तो कंफर्म याद रखिएगा। इसके बाद इस इंसान को देखिए, इसने एक सूट टाइप का कुछ पहना हुआ है, ये शक्तिमान नहीं है। ये क्या है? ऐसे तो शक्तिमान ही है, ये कोरोना के वॉरियर्स हैं ये, लेकिन
इसने जो सूट पहना है वो क्या है, कवरऑल सूट है। कवरऑल सूट रिसेंटली सीएसआईआर के एनएएल लैब ने, जो बेंगलुरु में है, उसने डिजाइन किया इसको। ये क्या करता है, ये पॉलीप्रोपाइलिन से बना है, ये मल्टी लेयर्ड है और ये नॉन वोवन है, यानी कि सिया हुआ नहीं है। और इम्पोर्टेंटली ये कोरोना वॉरियर्स जो हैं, ये सेफ, इनके सेफ्टी को इंश्योर करता है। इसके बाद एक ऐसा रोबोट टाइप का देखिए डेवलप हुआ है, ये सीएसआईआर के सीएमईआरआई जो दुर्गापुर में है, इस लैब में डेवलप हुआ है। ये भी कोरोना वॉरियर्स के एक्सपोजर को रिड्यूस करता है। अब ये कैसे करता है, देखिए इसमें बहुत सारे ड्रॉअर्स टाइप के बने हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो ड्रॉअर्स के थ्रू यहाँ पे नेविगेशन हो सकता है, ड्रॉअर्स के थ्रू यहाँ पे मेडिसिन और फूड प्रोवाइड किया जा सकता है पेशेंट्स को, सैंपल का कलेक्शन किया जा सकता है, फिर ये कम्युनिकेशन में भी हेल्प कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच कार्ड बोलते हैं। एच कार्ड का फुल फॉर्म क्या हो गया, हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस, यानी कि एक रोबोट है जो कि हॉस्पिटल केयर में असिस्ट कर रहा है, इसलिए इसको एच कार्ड बोल रहे हैं। ठीक है, आप लोग कवरऑल सूट और एच कार्ड को ध्यान में रखिएगा। कुछ बातें ये हो गई। एक है फलूदा, ये रबड़ी फलूदा वाला फलूदा नहीं है, ये फलूदा क्या है, एक बेसिकली एक टेस्ट किट है जो कि पेपर स्ट्रिप से बना है। तो पेपर स्ट्रिप बेस्ड टेस्ट किट है ये, जो कोरोना का टेस्टिंग करेगा। सीएसआईआर के आईजीआईबी लैब ने इसको डेवलप किया है। ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव एक तो हो गया, पोर्टेबल है क्योंकि एक पेपर का स्ट्रिप है और बहुत ही रैपिड टेस्टिंग होती है इससे, इसलिए फेलुदा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली सीएसआईआर और टाटा सन्स के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है कि इसको हम लोग को प्रोडक्शन बढ़ाना है। एक नया स्प्रे डेवलप हुआ है, हर्बल डीकंजेसेंट स्प्रे। जनरली जब वॉरियर्स जब मास्क पहनते हैं तो क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफ होती है, हो सकता है उनमें कफ जमा हो, म्यूकस जमा हो, तो स्प्रे क्या करता है, स्प्रे यूज करने से म्यूकस और कफ रिमूव हो जाता है, इस वजह से विंड पाइप क्लियर हो जाएगा और कंजेशन कम हो जाएगा। तो अगर ये मास्क यूज करेंगे तो अगर कुछ मान लीजिए कंजेशन हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो ये स्प्रे यूज करने से वो चीज़ नहीं रहेगा। तो हर्बल डी कंजेशन स्प्रे ऐसे काम आने वाला है। सीएसआईआर ने एक जो कोरोना का जीनोम सीक्वेंस है, उसने सीएसआईआर ने इसको जीआईएस एड को सबमिट किया है। जीआईएस एड का फुल फॉर्म क्या है, ये ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसमें कि हम लोग शेयर करेंगे सारे ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा को। तो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा, ये जीआईएस एड हो गया। सीएसआईआर ने जीनोम सीक्वेंस कोरोना का इसी को सबमिट किया है। इसका एक इम्पॉर्टेंट ये डेवलपमेंट ये होने वाला है कि अब हम लोग हो सकता है रिसेंट फ्यूचर में वैक्सीन को डेवलप कर पाए। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है आरोग्य सेतु ऐप। ये आप लोग सुनते ही आए होंगे न्यूज़ में। इसमें क्या होता है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। ये लिंक करता है जो हेल्थ सर्विसेज हैं, एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज हैं, उसको इंडियंस तक पहुँचाता है। इसमें कोई भी रिस्क है कोरोना से रिलेटेड, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रहे हैं अक्रॉस इंडिया, और कोई भी रेलिवेंट एडवाइजरी है तो वो इस ऐप के थ्रू दिया जा सकता है, यानी कि आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू दिया जा सकता है। एक ब्लूटूथ पे काम करता है और इसमें लोकेशन जेनरेटेड सोशल ग्राफ का भी यूटिलाइजेशन होता है। आप लोग इन टर्म्स पे याद रखिए, हो सकता है इसको एज इट इज यूपीएससी के प्री में पूछ दिया जाए। आरोग्य सेतु ऐप पर इंस्ट्रक्शंस भी दिए जा सकते हैं किन चीज़ों से रिलेटेड, या तो आप खुद को सेल्फ आइसोलेशन में आपको हेल्प मिलेगा, सोशल डिस्टेंसिंग में आपको हेल्प मिलेगा, और आपको रिकमेंडेशंस प्रोवाइड होंगे कि आप सेफली कैसे रहें। तो आरोग्य सेतु ऐप इस डायरेक्शन में एक अच्छा स्टेप है, हम लोग को काम आ सकता है। एक नया रिसर्च हुआ है जिसमें हम लोग को पता चला है कि जो हम लोग का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, जिसको हम लोग नॉर्मोथर्मिया बोलते हैं, वो डिक्लाइन कर रहा है। समझिए क्या है नॉर्मोथर्मिया, क्या है, हम लोग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को बोल रहे हैं, उसके लिए एक टर्म है। अगर 97.7 डिग्री और 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में आपका टेम्परेचर है तो आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। अगर आपका 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर टेम्परेचर एक्सीड करता है, बढ़ता है, तो इसका मतलब आप लोग को फीवर है। एक बात तो हो गई है। अब पाया क्या गया, डिक्लाइन वाली बात देखते हैं कि जो जिन ह्यूमन बींग्स का बर्थ हुआ 2000 के एरा में, अगर उनका हम कंपेरिजन करें जो ह्यूमन बींग्स का बर्थ हुआ था 1800 के एरा में, तो इन 200 सालों में बॉडी टेम्परेचर मेन का 1.0 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हुआ है,
और वीमेन का 0.58 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है कम? क्योंकि कुछ हम लोग का मॉडर्न लाइफस्टाइल एक तो इनकॉर्पोरेट हो गया है, इस वजह से हम लोग का मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो गया है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में जैसे कि मान लीजिए हम लोग के फूड हैबिट्स चेंज हुए हैं, फिर हम लोग का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ कंटैक्ट चेंज हुआ है, तो इन वजह से क्या हुआ है, बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम हुआ है। मेन में 1.06 डिग्री फ़ारेनहाइट कम और वीमेन में 0.58 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हुआ है। एक नया ड्रग हुआ है हेलिसिन। हेलिसिन को ड्रग इम्पॉर्टेंट क्यों है यह ड्रग? क्योंकि इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके इस ड्रग को बनाया गया है। एक तो ये एंटीबायोटिक है, ये इफेक्टिव है बहुत सारे रेजिस्टेंट जो बैक्टीरिया हैं उनके खिलाफ, ये जो है हेलिसिन काम आने वाला है। जितने भी रेजिस्टेंट ड्रग्स बैक्टीरिया हैं उनके अगेंस्ट हेलिसिन हम लोग यूज़ करेंगे। एक नया वेंटिलेटर डेवलप हुआ है, इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग वेंटिलेटर। इसको अटल इंक्यूबेशन सेंटर ने डेवलप किया है। ये लो कॉस्ट है, इमरजेंसी में काम आएगा ताकि जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनका लाइफ सेव किया जाए। अब ऐसा इस समय क्यों बात हो रहा है? क्योंकि कोरोना की वजह से क्या होता है कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत इफेक्ट हो जाता है, तो जो पेशेंट्स हैं उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो इन वेंटिलेटर्स को यूज़ करके हम लोग उनको उनके प्रॉब्लम्स को हम लोग दूर करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एक तो ये लो कॉस्ट है। तो आप लोग याद रखिएगा, इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग वेंटिलेटर। अब हम लोग ई स्किन भी डेवलप कर चुके हैं। ई स्किन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्किन। इसको हम लोग रियल स्किन के ऊपर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये रबर से ही बनाया गया है, बहुत ही पतला सा स्किन टाइप का होगा। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग सेंसर्स को एम्बेड कर सकते हैं। किन चीज़ों के सेंसर्स? जो कि हम लोग को इंडिकेट करेंगे हम लोग के हेल्थ के बारे में। हम लोग का बॉडी टेम्परेचर हो गया, फिर हम लोग का ब्लड का शुगर लेवल हो गया, हार्ट रेट हो गया, फिर नर्व सिग्नल्स के बारे में भी ये पता कर सकता है। तो ये सेंसर इन चीज़ों के बारे में पता कर सकता है और इस सेंसर को ई स्किन में एम्बेड किया गया है। इम्पॉर्टेंटली इसको बैटरी की भी ज़रूरत नहीं होती है। बायो फ्यूअल सेल्स जो कि पावर्ड बाय बॉडीज ओन वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि हम लोग का जो शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है स्किन पे, ये उसी को यूज़ करके ये क्या बोलते हैं काम करता है। इसको बैटरी की ज़रूरत नहीं होती है। इस वजह से कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ बातें हुई हैं, जैसे अर्थक्वेक से रिलेटेड दो लॉज दिए हुए थे साइंस रिपोर्टर में। एक तो हो गया गुटेनबर्ग रिक्टर लॉ। ये क्या करता है? ये डिस्क्राइब करता है स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक, सिंपल सा चीज़ है। और दूसरा है ओमोरी लॉ। ओमोरी लॉ क्या है? ये डिस्क्राइब करता है कि किसी भी मान लीजिए अर्थक्वेक के बाद आफ्टर शॉक आता है, तो उस आफ्टर शॉक का फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होता जाता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ आफ्टर शॉक रिड्यूसेज ओवर टाइम। तो इसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है ओमोरी लॉ। तो दो लॉ हो गए, गुटेनबर्ग रिक्टर लॉ और ओमोरी लॉ। स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग की भी बात हुई है। अब हम लोग जनरली क्या करते हैं, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई और ऐसा बिल्डिंग है उसका हम लोग हेल्थ का कैसे मॉनिटरिंग करते हैं? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के थ्रू। इसमें क्या है, या तो हम लोग विजुअली इंस्पेक्ट करेंगे या तो हम लोग कोई लोकल एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यूज़ करेंगे, जैसे कि कोई अल्ट्रासोनिक मेथड हो गया या कोई एकुस्टिक एमिशन हो गया। तो इससे हम लोग करते हैं स्ट्रक्चर का हेल्थ मॉनिटरिंग। रिसेंटली वाइब्रेशन बेस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग की बात हो रही है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी स्ट्रक्चर में अगर कुछ डैमेज हुआ है, तो इस वजह से क्या होता है कि उस स्ट्रक्चर का फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, उसका वाइब्रेशनल पैटर्न चेंज होता है। तो जो हम लोग इसी वाइब्रेशन को हम लोग कैप्चर करेंगे यूजिंग सेंसर्स, और इससे हम लोग को स्ट्रक्चर का हेल्थ पता चलेगा। सेंसर का एग्जाम्पल हो गया एक्सेलेरोमीटर। अब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और कुछ देखते हैं। चेनाब जो नदी है कश्मीर में, इस पे ये ब्रिज बनाया जा रहा है जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज होने वाला है। अभी फ़िलहाल तो चाइना में हाईएस्ट है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज हो जाएगा। ये कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करेगा। इस ब्रिज की लेंथ है 1315 मीटर, यानी 1315 मीटर। अभी मैं जो बताने वाला हूँ इसको आप लोग अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। एक ब्रिज जो है वो क्या करता है, वो कनेक्ट करता है, अब अलग अलग चीज़ों को ब्रिज कनेक्ट करता है,
अलग अलग सिविलाइजेशंस को कनेक्ट कर सकता है, फिर टू पीसेज ऑफ लैंड को कनेक्ट करता है, और इम्पॉर्टेंटली ये लोगों के दिलों को, उनकी आत्मा को कनेक्ट करता है। सो अ ब्रिज कनेक्ट्स हार्ट एंड सोल ऑफ पीपल, ये इम्पॉर्टेंट हो गया। तो आप लोग इस चीज़ को मेंस में रीयूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए। एक और चीज़ हो गई, हम लोग पहले क्या करते थे, फॉलन ट्री यानी कि पेड़ को गिराते थे और उसके थ्रू हम लोग क्रॉस किया करते थे, उसको एज अ ब्रिज यूज़ किया करते थे। उसके बाद सस्पेंशन ब्रिज आया जिसमें टेंड्रिल्स को यूज़ करके ब्रिज को बांधा गया। टेंड्रिल्स क्या होते हैं, ये प्लांट का मॉडिफिकेशन है जिसमें मान लीजिए स्टीम जो है वो टेंड्रिलर बन जाता है, या फिर कोई लीफ का मॉडिफिकेशन होगा उसमें भी लीफ टेंड्रिल बन जाएगा। टेंड्रिल आप देखते होंगे जो घुमावदार जो किसी प्लांट में होता है, जो सपोर्ट लेके चढ़ता है किसी दीवार पे किसी ट्री पे, तो वहाँ पे टेंड्रिल होता है। तो इन टेंड्रिल्स के थ्रू सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाता था। और अभी के फिलहाल के ज़माने में तो आप देख ही रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पर ब्रिज बनाए जाते हैं, कितने मैसिव मैसिव ब्रिज बनाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल को देखिए, ये चेनाब पे ही जो ब्रिज बन रहा है उसका फोटो है, इसमें देखिए इस तरह से ब्रिज बन रहा है। इसमें इम्पॉर्टेंटली एंटी टेरर फीचर है। अब एंटी टेरर फीचर क्या है कि अगर मान लीजिए किसी टेररिस्ट ने किसी ब्रिज के एक पियर को उड़ा दिया बम से, तो भी यह पूरा ब्रिज कोलैप्स नहीं करेगा। अब ये ब्रिज का पियर क्या है, आप कोई भी अगर ब्रिज को ऐसे देखते हैं उसमें क्या होता है, कुछ पिलर से ऐसे सपोर्टेड होता है, उसी को हम लोग पियर बोलते हैं। तो अगर किसी पियर को उड़ा भी दिया गया तो पूरा ब्रिज जो है वो कोलैप्स नहीं होगा। ये इसलिए चेनाब वाले में एंटी टेरर फीचर है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स का यूज़ किया गया है, जैसे एक तो सी ग्रेड स्टील हो गया। ये सी ग्रेड स्टील का इम्पोर्टेंस क्या है कि बहुत ही ठंडे क्लाइमेट में भी, कोल्ड में भी, ये बहुत ही अच्छे से डक्टाइल रहता है, यानी कि इसको खींचा जा सकता है, ये डक्टाइल होता है। जैसे आप रबर को खींचते हैं तो रबर की डक्टाइल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, इसलिए आप इसको खींच पाते हैं, तो यही चीज़ होता है डक्टाइल। तो ये स्टील में अच्छा डक्टाइल प्रॉपर्टी है कोल्ड में भी। उसके बाद जेड ग्रिल स्टील है, ये क्या है, ये प्रिवेंट करता है फेलियर ऑफ स्टील प्लेट को, यानी जो स्टील का प्लेट लगाया जाएगा उसके फेलियर को प्रिवेंट करेगा जेड ग्रेड स्टील। फिर डिविडाग बार्स हैं, डिविडाग बार्स क्या करेंगे, ये कोरोजन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। अगर कुछ मान लीजिए जंग लगने का अगर नौबत आ रहा है तो ये उससे प्रिवेंट करेगा, और इस प्रोटेक्शन में ये डबली हेल्प करेगा, डबल अमाउंट में प्रोटेक्शन करेगा। फिर केबल एंकर्स का यूज़ हो रहा है जो कि इस ब्रिज को स्टेबल बनाने में हेल्प करेंगे, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करेंगे। मटेरियल्स के अलावा हम लोग को लेबर भी यूज़ करना है, तो स्किल्ड लेबर का यूज़ हो रहा है यहाँ पर, जो कि प्रिसीजन वेल्डिंग करेंगे, यानी कि प्रिसाइजली यानी पिन पॉइंट करके बिल्कुल वेल्डिंग करेंगे, अच्छे से वेल्डिंग करेंगे। उसके अलावा रेगुलर पेंटिंग करेंगे। अब पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ब्रिज की लाइफ बढ़ाई जा सके, नहीं तो अगर ब्रिज कोरोड हो गया तो बहुत जल्दी ब्रिज का लाइफ कम हो जाएगा, ब्रिज कोलैप्स कर जाएगा, इसलिए रेगुलर पेंटिंग भी ज़रूरी है। तो स्किल्ड लेबरर जो है रेगुलर पेंटिंग करेंगे। चैलेंजेस क्या क्या है हम लोग इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में, एक तो आपने देखा कि वहाँ का जो टेरेन है जो बहुत ही माउंटेनस है, इसलिए हाईली रग माउंटेन टेरेन है, तो इस वजह से एक तो दिक्कत हुआ, ऊपर से वहाँ पर स्टेबिलाइजेशन लाने में भी दिक्कत हो रहा है। तो ये कुछ चैलेंजेस थे। अगले टॉपिक पर आते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा फौना से रिलेटेड है। देखिए इस टर्टल को देखिए, इस टर्टल का नाम है मेरी रिवर टर्टल। मेरी रिवर कहाँ पे है, क्वींसलैंड में है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। अब टर्टल का जो साइंटिफिक नेम है एलुसर मैक्रूरस है। अब इसके एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बट ब्रीदर बोलते हैं इसको, ये अपने बट से ब्रीद करता है, यानी कि ये इसके पोस्टेरियर पार्ट में क्लोएका होता है, जो कि वैसे तो मान लीजिए कि यूरिनेशन में रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, लेकिन इस टर्टल ने क्या किया है, इस क्लोएका को यूज़ करके ब्रीदिंग शुरू कर दिया है। इस वजह से ये अंडर वाटर ब्रीद कर पाता है। अंडर वाटर ब्रीदिंग की वजह से ये पानी में काफ़ी टाइम तक स्पेंड कर पाता है, अप टू 3 डेज तक स्पेंड कर लेता है। इस वजह से क्या हुआ कि इसके शरीर पे, इसके हेड पे जो है ये एल्गी, देखिए एल्गी ग्रो कर गया है, ये एल्गी है। तो एल्गी ग्रो करने से क्या हुआ है कि अब ये खुद को कैमोफ्लाज कर लेता है, यानी कि अगर मान लीजिए कि ज़मीन पर अगर लेट जाएगा तो कोई भी प्रेडेटर, कोई भी जानवर इसको पहचान नहीं पाएगा, और इसलिए ये टर्टल जो है ये अपने आप को बचा पाएगा। इसके अलावा ये कैमोफ्लाज करके ये किसी प्रे पे अगर इसको कुछ खाना है
तो ये आराम से छुपा रहेगा और जब भी प्रे इसके पास आएगा तो ये इसको अटैक करके खा लेगा। तो इसलिए ये कैमोफ्लाज करने में भी इस टर्टल को हेल्प करेगा, ये एल्गी का ग्रोथ इसके हेड पे। एक सैड पार्ट ये है कि अभी ये वल्नरेबल हो गया एक्सटिंक्शन के लिए। हाँ, यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली ने 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ डिक्लेयर किया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हो सकता है यूपीएससी हम डायरेक्टली पूछ ले ये कौन सा ईयर, किस चीज़ से रिलेटेड ईयर है। स्लोगन क्या है इस साल? प्रोटेक्टिंग प्लांट्स प्रोटेक्टिंग लाइफ। हम लोग को पता है प्लांट्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं हमारे लिए प्लांट्स कैसे इम्पोर्टेंट है। एक फैक्ट ये भी दिया गया है कि 40% ऑफ क्रॉप्स जो हैं वो हम लोग हर साल खो देते हैं, किस चीज़ों के वजह से? पेस्ट के वजह से और डिजीजेस के वजह से 40% क्रॉप लॉस होता है। तो प्लांट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? एक तो ये हम लोग का जो 80% ऑफ फूड है प्लांट्स हम लोग वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम लोग ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, तो 98% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी के सेंस में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनका ट्रेड भी होता है। तो 1.7 ट्रिलियन ट्रेड जो है यूएस डॉलर्स में एनुअली होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का। तो इन तीनों फैक्टर्स की वजह से प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग देख रहे हैं। दो फैक्ट है, एक तो ब्रिसल कोन पाइन है, ये ओल्डेस्ट वुडी ट्री है वर्ल्ड का, अराउंड 4500 ईयर्स ओल्ड है। फिर जायंट सिक्वा है, ये मोस्ट मैसिव ट्री है वर्ल्ड अर्थ पे। तो दो चीज़ हो गया। अब हम लोग कुछ मिसलेनियस चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले व्हाट्स इन अ नेम, यानी कि एक नाम में क्या है? दैट विच वी कॉल अ रोज बाई एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। कहने का मतलब कि अगर हम लोग रोज़ को किसी और नाम से भी बुलाते तो उसकी उसका जो खुशबू है वो वैसा ही रहता, ये विलियम शेक्सपियर ने कहा था। इसको आप लोग अपने एसे राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं इस कोट को। अब ऐसा क्यों चर्चा हुआ साइंस रिपोर्टर में? क्योंकि रिसेंटली कुछ नाम दिए गए हैं जो कि पर्सनैलिटीज के ऊपर हैं। जैसे नाम देखिए, इसको पढ़ने में तो आपको बहुत मुश्किल होगा, लेकिन देखिए ये यहाँ पे ग्रेटा थूनबर्ग लिखा है। तो ग्रेटा थूनबर्ग के नाम पे ये नाम रखा गया है। ये है बेसिकली क्या, एक स्नेल का स्पीशीज है जो ब्रुनेई में पाया जाता है। ये देखिए ये वो स्नेल है, तो इसका नाम जो है ग्रेटा थूनबर्ग के ऊपर रखा गया है। अगले अगले नामकरण को देखते हैं। ये है नेट्री अल्वा स्वरूपीय। ये क्या है? बेसिकली ये इस बैक्टीरिया का नाम है। ये जो बैक्टीरिया देख रहे हैं इसका नाम है। अब ये नाम जो रखा गया है ये एन स्वरूप, ये हम लोग की जो डीबीटी की सेक्रेटरी है इनके ऊपर रखा गया है नाम। तो ये बैक्टीरिया जो है सांबर लेक राजस्थान में पाया जाता है। ये हेलोफिलिक है। हेलोफिलिक का मतलब, हेलो का मतलब हो गया सॉल्ट और फाइल का मतलब होता है प्यार करना। तो हेलोफाइल क्या हो गया? जो सॉल्ट को प्यार करें। तो क्योंकि ये बहुत ही सलीन इन्वायरमेंट में पाया जाता है इसलिए ये हेलोफिलिक हो गया। और ये एर्कियोन हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही पुरातत्व काल से पाया जा रहा है। तो नेट्री अल्बा स्वरूप हो गया। तो एक नाम रखा गया हमारे डीबीटी के सेक्रेटरी के ऊपर और एक रखा गया इस एनवायरमेंटलिस्ट के ऊपर। तो ये दो बातें हो गई। फिर एक गोल्डन रेशियो होता है और एक गोल्डन एंगल होता है। तो देखिए अगर एक लाइन सेगमेंट है उसमें एक ए है और एक बी है, उसको जोड़ेंगे तो बनेगा ए प्लस बी। तो अगर ए और बी को हम लोग डिवाइड करें तो उसका रेशियो जो है ए प्लस बी बाई ए के बराबर होगा, जो कि 1.618 के बराबर होगा। तो ये हो गया गोल्डन रेशियो। और उसी तरह अगर हम लोग उसको एंगल वाइज देखें, ये एंगल ए हो गया, ठीक है, ये एंगल बी हो गया, टोटल उसको डिवाइड करेंगे ए बाई बी को और ए प्लस बी बाई ए को, तो हो जाएगा 137.5 डिग्री। ये हो गया गोल्डन एंगल। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? आप लोग जो लीव्स का स्पाइरल अरेंजमेंट देखते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए लीफ अरेंज्ड है। तो ये क्या है? ये गोल्डन रेशियो है। स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ लीफ जो है गोल्डन रेशियो की वजह से है। फिर जो स्नेल देख रहे हैं, जो स्नेल का यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसका जो घोंगा है वो क्या है, वो शेल ऑफ स्नेल भी है जो गोल्डन रेशियो पर ही ऐसे घूमा हुआ है। फिर ये जो आप सीड देख रहे हैं, ये प्लांट का सीड है बहुत बड़ा सा। इसमें देखिए जो स्ट्रक्चर्स हैं जो ये गोल्डन एंगल पे जो हैं ये ऐसे अरेंज्ड हैं। तो ये आप फिर ये सनफ्लावर के बीच का देखिए, ये भी गोल्डन एंगल के ऊपर ही बेस्ड है। फिर आप ये साइक्लोन देख लीजिए, ये भी गोल्डन एंगल पे ही बेस्ड है।
तो ये सब जो हो गया क्या, गोल्डन रेशियो और गोल्डन एंगल हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक प्लैंक इपोक की बात हुई है, ये क्या है, जब बिग बैंग हुआ था, तो यानी कि जब बर्थ ऑफ यूनिवर्स हुआ था, तो उसके 10^-43 सेकेंड्स का जो टाइम था उसको हम लोग प्लैंक इपोक बोलते हैं। इतना छोटा टाइम था कि यहाँ पर सब एटमिक पार्टिकल्स तक नहीं बन पाए थे और यहाँ पर बस एक ही फंडामेंटल फोर्स एग्जिस्ट करता था। अभी फंडामेंटल फोर्स क्या होता है हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। इसके बाद अंटार्कटिका में कुछ इंडियन रिसर्च बेस बनाए गए हैं, जैसे एक तो हो गया, सबसे पहले जो बनाया गया था वो था दक्षिण गंगोत्री, 1983 में बनाया गया था। अभी क्या हुआ है कि नए रिसर्च बेस बन गए हैं, तो इसलिए इस दक्षिण गंगोत्री को सपोर्ट बेस बना दिया गया है। इसके अलावा दो रिसर्च बेस बनाए गए बाद में, एक तो मैत्री बना 1989 में और भारती बना 2012 में। भारती को बनाने में ECIL ने सपोर्ट किया था, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन है इंडिया का, उसने भारती को बनाने में सपोर्ट किया था। तो दक्षिण गंगोत्री हो गया, मैत्री हो गया, भारती हो गया। मैं सीक्वेंस को तो मैं DMB करके याद रख करता था, आप भी वैसे याद रख सकते हैं DMB। फंडामेंटल फोर्सेस देख लेते हैं, चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन होता है, एक वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन होता है, फिर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। आप दो ही चीज़ इसमें याद रखिए, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ये वाला होता है और सबसे वीकेस्ट फोर्स जो होता है इनमें से वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ये चार फंडामेंटल फोर्सेज हो गए। और जो मैंने अभी ईपोक बताया, उस ईपोक में बस एक ही जो है फंडामेंटल फोर्स एग्जिस्ट करता था प्लैंक ईपोक में। तो आई होप आप लोगों ने आज बहुत कुछ देखा होगा, सीखा, और आपको ये एग्जामिनेशन में काम आए, ऐसा मैं विश करता हूँ। ठीक है, चलिए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए। जय हिंद।